Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Hello friends, welcome back to my channel. So, दोस्तों आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं? आई होप अच्छी लग रही हो, क्योंकि लॉकडाउन का समय है तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो मैं किचन में जाके नई नई चीजें ट्राई कर रही हूँ. तो आज मैं इसी ट्राई के साथ एक और रेसिपी लेके आई हूँ. रायसा का बहुत मन कर रहा है चीजें खाने को, क्योंकि बाजार से कुछ मिल नहीं रहा कोई स्वीट खाने को कि ये खाना है वो खाना है. तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं डोनट्स ट्राई करूं. तो मैं जा रही हूँ आज डोनट्स बनाने. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे ट्राई कर रही हूँ, कैसे बना रही हूँ. तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को. रायसा क्या बोल रही है? सब्सक्राइब चैनल उधर 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 बोल रही है. इधर बोलना सब्सक्राइब चैनल. वो अभी कर रही थी एक्सरसाइज. तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डोनट्स बनाना शुरू करते हैं. लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना. तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो. सो दोस्तों हमें डोनट बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी मैदा जो मैंने लिया है इसको हमें छान लेना है. उसके बाद दोस्तों एक चौथाई नमक, पिसी हुई चीनी एक कटोरी, इसको मिक्स कर लेना है. उसके बाद दोस्तों ये ईस्ट है हाफ टेबल स्पून डालना है. इससे हमारा डोनट बहुत अच्छे से फूलेगा और सॉफ्ट होगा. इसके बाद मैंने एक अंडा लिया है, उसे अच्छे से फेंटना है. और इसमें मिक्स कर लेना है. ये मैंने एक टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है. आप इसकी बजाय मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और एक टेबल स्पून वनीला एसेंस, इसके बाद हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूध लेके इसका पूरा आटा गूंदना है, जैसे हम नॉर्मली अपने घर में आटा गूंदते हैं. मैं थोड़ा सा और दूध मिक्स कर रही हूँ इसमें. इस तरीके से हमें इसे गूंद लेना है और ऑयल की मदद से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा. और इसको एक मैं साफ से डोंगे में ऊपर ऑयल लगाते हुए एक प्लेट से एक घंटे के लिए छोड़ रही हूँ. इसको एक घंटे के लिए ढक के आप रख दें. तो दोस्तों इसे ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया है. ये मैंने सूखा मैदा लिया है ताकि ये थोड़ा सा चिपके नहीं. इसे हमें बहुत ही हल्के हाथों से गूंद लेना है. मैं नीचे थोड़ा सा सूखा मैदा बिछा रही हूँ. अब हम इसे बेलेंगे. ये मैंने थोड़ा सा सूखा आटा और बिछाया है. अब इसे हमें बहुत ही हल्का हल्का बेलना है और बहुत पतला हमें नहीं रखना, बहुत ही ज़्यादा थिक भी नहीं रखना, मीडियम साइज में रखना है. इस तरीके से हमें इसे ये कर लेना है. और आप देख सकते हैं कि ये इतने उसमें आना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं. और मैंने ये गिलास लिया है, मैं गिलास की मदद से इसकी शेप निकाल रही हूँ.
इसे हमें दोबारा गूंद लेना है। ये दोस्तों मैंने पहले ही ऑयल गैस पे चढ़ा दिया था, इसको मैंने धीमी आंच पे रखा हुआ है क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसको गर्म करेंगे तो ये बाहर से बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसको धीमी आंच पे ही गर्म करें। तो ये मेरा गर्म हो चुका है तेल, तो अब मैं इसमें, ये मेरे तैयार है, अब मैं इसमें डालूँगी ये और फ्राई करूँगी। तो ये मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं दोस्तों, और ये चॉकलेट सिरप है, मेरे पास इस टाइम चॉकलेट सिरप था। आपके पास अगर डार्क चॉकलेट पड़ी है तो आप उसके पिघला के उसको भी आप ऐसे बना सकते हो, मेरे पास सिरप था तो मैं सिरप का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये अब मैंने इसके अंदर इस तरीके से इसमें डुबो के यूज़ किया है।